गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 की टेस्ट सीरीज चल रही थी, 61 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 62, इंपॉर्टेंट होंगे सारे के सारे प्रश्न। एग्ज़ाम डेट याद रखिए 31 मई 2020। डेली प्रिपेयर करोगे, 5 से 6 घंटे पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, 10 से 11 महीने की तैयारी है। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। एक प्रश्न स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसका आंसर जरा दे दीजिए तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करके। तो बेल आइकन को प्रेस रखिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक सबका इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी आवासीय क्षेत्र में रहने वाले पादपों मतलब प्लांट तथा प्राणियों की जातियों के समूह को जनसंख्या कहा जाता है। हाँ, तो करेक्ट है, कहा जाता है। जीवों का एक समूह जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीवों की संख्या जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं तथा पारस्परिक क्रिया करते हैं, जैविक समुदाय कहलाता है। बताइए। देखिए, करेक्ट है ये भी। जीवों के समुदायों और भौतिक पर्यावरण के उनके साथ संबद्ध या संबंध से पारितंत्र का निर्माण होता है। देखिए, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन है, एक एक पॉइंट को अच्छे से सुनना। भूदृश्य मतलब लैंडस्केप जो होते हैं, एक बड़ी क्षेत्रीय इकाई है जो एक प्रमुख प्रकार की वनस्पतियों तथा संबद्ध प्राणी जातियों द्वारा एक विशेष जलवायु मंडल में पाया जाता है। देखिए, जो लैंडस्केप होते हैं ना, वो एक बड़ी क्षेत्रीय इकाई है, लेकिन ये विभिन्न प्रकार की, एक विशेष प्रकार या प्रमुख प्रकार की नहीं, गलत है ये, विभिन्न प्रकार की। तो थर्ड को एलिमिनेट कर दो, नहीं फोर्थ को एलिमिनेट कर दो। फोर्थ किस किस में, इसमें फोर्थ है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड करेक्ट है तो ये नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। तो देखिए, भूदृश्य या लैंडस्केप जो है, भूमि की ऐसी इकाई है जो मोजेक नुमा भूभाग की प्राकृतिक सीमाओं से घिरी रहती है। ये भूभाग विभिन्न प्रकार के, एक प्रमुख प्रकार के नहीं, विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र को दर्शाते हैं, जबकि एक बड़ी क्षेत्र इकाई जो एक प्रमुख प्रकार की वनस्पतियों तथा संबद्ध प्राणी जातियों द्वारा एक विशेष जलवायु मंडल में पाई जाती है, जीवों कहलाती है। और जीवों का समुदाय और वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, पारितंत्र कहलाता है। जीवों का एक ऐसा समूह जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीवों की संख्या जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं तथा पारस्परिक क्रिया करते हैं, तो जैविक समुदाय उसको बोलते हैं। और जनसंख्या से तात्पर्य क्या है, किसी आवासीय क्षेत्र में रहने वाले पादपों तथा प्राणियों की जातियों के समूह। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, अनस्टर्ट हीकल ने 1869 में पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया। पारिस्थितिकी जीवों के पारस्परिक तथा वातावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन है। देखिए, करेक्ट है ये भी, फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। जीव या व्यष्टि पारिस्थितिकी के संगठनों में सबसे मूल है, ये भी करेक्ट है। एक ही प्रजाति के जीव जो आपस में संकरण की क्षमता से युक्त हैं और निषेची संतति को जन्म देते हैं, जाति कहलाती है। तो सभी के सभी करेक्ट हैं इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जीव हो गया, समष्टि हो गई, समुदाय, पारितंत्र, बायोम और जीव मंडल पारिस्थितिकी संगठन के विभिन्न स्तर हैं। इनमें जीव व्यष्टि सबसे मूल और जैव मंडल सबसे व्यापक है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, जीव, समष्टि, समुदाय, पारितंत्र, बायोम, जैव मंडल पारिस्थितिकी संगठन के विभिन्न स्तर हैं। इनमें जीव व्यष्टि सबसे मूल और जैव मंडल जो है वो सबसे व्यापक है। जर्मन वैज्ञानिक अनस्टर्ट हीकल ने सन 1869 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन किया, और एजी टेंसले ने पारितंत्र का, याद रखना। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीवों तथा पर्यावरण के परस्पर संबंध के अतिरिक्त समष्टियों, समुदाय, पारितंत्रों, बायोम मतलब जीवों तथा जैव मंडल का भी अध्ययन किया जाता है।
एक जाति वस्तुतः ऐसे जीवों का संकुल है जो आपस में संकरण की क्षमता से युक्त और निषेची संततियों को जन्म देती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? सभी जीव अनिवार्यतः आहार, ऊर्जा, आवास व अन्य जरूरतों के लिए पर्यावरण पर आश्रित हैं। बिल्कुल करेक्ट है। पर्यावरण एक स्थैतिक संकल्पना, स्टैटिक, देखिए स्थैतिक थोड़ी है, तो निरंतर चलती रहती है, गलत है, तो कर दो एलिमिनेट, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पर्यावरण के दोनों घटक जो है ना, जैविक घटक और अजैविक घटक, स्थिर, ये भी गलत है, स्थिर थोड़ी है। वन ओनली केवल पहला सही है यहाँ पर। तो सभी जीव विषाणु से लेकर मानव तक अपने भोजन के लिए, ऊर्जा के लिए, पर्यावास, आवास, जल, ऑक्सीजन आदि जरूरतों के लिए पर्यावरण पर तो आश्रित हैं। पर्यावरण एक गतिशील है, स्थैतिक नहीं है, गतिशील डायनेमिक संकल्पना है, न कि स्थैतिक। इसके जो दोनों घटक हैं ना, जैविक घटक और अजैविक घटक, निरंतर प्रवाहमान में बदलते रहते हैं। जैविक घटक कौन कौन से हैं, इतनी बार बताया, देखिए जैविक घटक मतलब जिसमें जीवन है, मतलब पेड़ पौधे हो गए जैविक घटक, हिरण, खरगोश, बाघ, मनुष्य, मानव, मतलब ये क्या है, जैविक घटक है। और अजैविक घटक कौन कौन से हो गए, जैसे मिट्टी हो गई, सूर्य का प्रकाश हो गया, वर्षा हो गई, स्थलाकृतियाँ, ये सब क्या हैं, अजैविक घटक, सूखा, बाढ़, भूकंप, याद रखना इनको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, समुदाय का निर्माण विभिन्न प्रकार के पारितंत्रों के संयोजन से हुआ है। देखिए समुदाय का निर्माण विभिन्न प्रकार के पारितंत्रों से नहीं हुआ, गलत है ये, बल्कि पारितंत्र के अंदर 6 घटक आते हैं पूरे, घटक नहीं मतलब 6 पॉइंट है पारितंत्र के अंदर, जिसमें समुदाय है, जाति है, ये सब चीज़ है। पारितंत्र विभिन्न प्रकार के बायोम, जीवोम का संयोजन है, ये भी गलत है, देखिए पारितंत्र थोड़ी है, बल्कि विभिन्न प्रकार के बायोम या जीवोम मिलकर पारितंत्र बनाते हैं, पारितंत्र नहीं है। जैव मंडल बायोम में बृहत्तर संकल्पना है, ये करेक्ट है, केवल थर्ड करेक्ट है यहाँ पर, फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकेंड इनकरेक्ट। तो देखिए केवल तीसरा यहाँ पर सही है। पारिस्थितिकी के 6 मुख्य प्रकार के संगठन स्तर हैं, उसके अंदर जीव भी आते हैं, समष्टि भी आती है, समष्टि मतलब पॉपुलेशन, समुदाय मतलब कम्युनिटी आ गई, पारितंत्र आ गया, जीवोम आ गया और जैवमंडल आ गया। इनमें जीव जो है ना, जीव वो सबसे छोटी संरचना तथा अन्य क्रमिक रूप से बृहत्तर अवधारणा है। पारितंत्र का निर्माण विभिन्न प्रकार के समुदायों के संयोजन से हुआ है, ना कि समुदायों का निर्माण पारितंत्र से हुआ है, इसलिए सेकंड था इनकरेक्ट। बायोम विभिन्न तरह के पारितंत्रों के मिलने से बना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पर्यावरण के कुछ घटक संसाधन के रूप में होते हैं, जबकि अन्य जो होते हैं वो नियंत्रक के रूप में होते हैं। पर्यावरण को क्षेत्रीय तथा वैश्विक जलवायु पैटर्न के साथ साथ स्थानीय सूक्ष्म जलवायु द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। पर्यावरण के कुछ घटक संसाधनों के रूप में होते हैं, जबकि अन्य नियंत्रक के रूप में होते हैं। तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पर करेक्ट हैं। देखिए मिट्टी, जल, वायु, ऊर्जा जैसे जो अजैविक घटक है ना, जैसा मैंने अभी बताया, विभिन्न प्रकार के पादप जैसे जैविक घटक, ये तो अजैविक घटक हो गए, और विभिन्न यहाँ से पढ़िए, विभिन्न प्रकार के पादप जैसे जैविक घटक पर्यावरण के संसाधनों के रूप में गिने जाते हैं, जबकि मनुष्य जो कि पर्यावरण का महत्वपूर्ण जैविक घटक है, क्योंकि जैविक मतलब जीवन है, इस तरह से याद कर लो, नियंत्रक की भूमिका निभाता है और बर्बाद भी सबसे ज़्यादा यही कर रहा है। पर्यावरण के सभी अवयव परस्पर आश्रित एवं जुड़े हैं। पर्यावरण को बृहद स्तर पर क्षेत्रीय तथा वैश्विक जलवायु पैटर्न और लघु स्तर पर स्थानीय सूक्ष्म जलवायु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक एक एक्सप्लेनेशन बहुत काम किया, शॉर्ट नोट्स लिख बना डालो इनके। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, सही है? सामान्यतः जीव अपने पर्यावरण के अनेक स्थानिक और समय मापक्रम के अनुसार पारस्परिक क्रिया करते हैं। विभिन्न स्थानों का पर्यावरण, जलवायु, मृदा प्रकार, स्थलाकृति के बदलाव से अप्रभावित रहता है। जीवों को अपने बाह्य पर्यावरण से एक समय मापक्रम तक जूझना पड़ता है। बताइए विभिन्न स्थानों का पर्यावरण, जलवायु, मृदा प्रकार और स्थलाकृति के बदलाव से अप्रभावित थोड़ी रहता है, ये तो बहुत बदलता है, तो सेकंड तो इनकरेक्ट है यहाँ पर, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो देखिए सभी जीव अपने पर्यावरण के अनेक स्थानिक और समय मापक्रम के अनुरूप अंत्यक्रिया करते हैं। एक जीवाणु अत्यंत कम क्षेत्रफल पर जल
वायु से अंत्यक्रिया करता है, जबकि एक वृक्ष अपेक्षाकृत बृहद क्षेत्रफल पर मृदा वायु तथा जल से पारस्परिक क्रिया करता है। साथ ही किसी भी जीव को एक समय मापक्रम तक अपने बाह्य वातावरण का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर समझे तो पादप लवकों की संख्या जलीय परिवेश में प्रकाश की स्थिति परिवर्तित होने से कुछ ही समय में प्रभावित हो जाती है। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो स्थल मंडल में परिवर्तन लंबे समय अंतराल में होता है। विभिन्न स्थानों का पर्यावरण जलवायु मृदा प्रकार स्थलाकृति के बदलाव से प्रभावित होकर भिन्न हो जाता है, अप्रभावित नहीं रहता, प्रभावित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक निश्चित स्थान और समय पर वायुमंडल में घटित लक्षणों मतलब ताप दाब वर्षा आर्द्रता को जलवायु कहते हैं। देखिए ताप दाब वर्षा आर्द्रता को जलवायु थोड़ी बोल देंगे, एक निश्चित स्थान में गलत है। मौसम एक लंबे समय अंतराल ऋतुओं या वर्षों के आधार पर तय होता है, ये भी गलत है। देखिए एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं सीधा सीधा कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। तो देखिए क्लाइमेट जो होता है ना वो लंबे समय के लिए होता है, मतलब क्लाइमेट मतलब जलवायु जो लंबे समय के लिए होती है, जैसे महीना, दो महीना, तीन महीना, छः महीना। लेकिन जो मौसम होता है ना वेदर, वो तो घंटे के हिसाब से चेंज होता है। 10 घंटे कुछ और रहा, फिर अगले 10 घंटे कैसा है, बारिश पड़ने लगी। तो यही डिफरेंस है इसमें, अगर कहीं पूछा जाए तो बता दीजिएगा और लिख दीजिएगा। तो यहाँ जो मौसम की जगह यहाँ जलवायु होता है ना, जो जलवायु होती है क्लाइमेट होती है, वो एक लंबे समय अंतराल ऋतु या वर्षों के आधार पर होती है। लेकिन जो मौसम होता है ना वेदर, जैसे अभी अगर टेम्परेचर चेक करोगे तो दिखाएगा कि सूरज की रोशनी, धूप निकल रही है, फिर वर्षा दिखा देगा 4 बजे के बाद, तो इसी को वेदर कहते हैं। तो गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, इसका आंसर हो जाएगा डी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसकी। किसी निश्चित स्थान और समय में वायुमंडल में घटित होने वाले अल्पकालिक लक्षणों जैसे कि तापमान, दाब, आर्द्रता, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, बादल वायु को मौसम से संबद्ध किया जाता है, ना कि जलवायु से। जलवायु का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम से है, जिसमें वायुमंडल की सामान्य अवस्थाएं, ऋतु परिवर्तन, लंबे समय की चरम मौसमी स्थिति को सम्मिलित करते हैं। एक लंबे समय अंतराल यथा ऋतुओं या वर्षों के आधार पर जलवायु का आकलन किया जाता है, जबकि मौसम में घंटा, दिन या साप्ताहिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन मेक इन इंडिया को लागू करता है? तो भारत का उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय मेक इन इंडिया को लागू करता है। तो मेक इन इंडिया पहल 4 स्तंभों पर आधारित है, जिन्हें न केवल विनिर्माण क्षेत्र बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित किया गया है। ये 4 स्तंभ हैं, नई प्रक्रियाएं, नई अवसंरचनाएं, नए क्षेत्र, नई सोच। सितंबर 2014 में केंद्र सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने देश में विनिर्माण को बढ़ावा देकर भारत को वैश्विक उत्पादन, ग्लोबल प्रोडक्शन और डिज़ाइनिंग हब बनाने का लक्ष्य तय कर मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ये 2014 में की गई थी, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? भाई तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, विश्व आर्थिक मंच। इस तरह की रिपोर्ट, हर एक रिपोर्ट पूछी जाती है, इस साल भी पूछी गई थी, जिसका आंसर विश्व आर्थिक मंच ही था। तो वैश्विक जोखिम परिदृश्य के संदर्भ में विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2019 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक, जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक समस्याओं की पृष्ठभूमि पर चिंता व्यक्त करते हुए पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों की बात कर रहा है। ये लेकर 4th औद्योगिक क्रांति के मार्ग में आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019 वर्तमान में वैश्विक जोखिम परिदृश्य को दर्शाने और इस संदर्भ में कार्यवाही हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने का अवसर प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, माइक कार्यक्रम के संदर्भ में या संबंध में निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है माइक कार्यक्रम? तो ये हाथियों के संरक्षण से संबंधित है, ए आंसर हो जाएगा इसका। और माइक का जो पूर्ण रूप है, जो फुल फॉर्म है, वो है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। माइक हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी, वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभी समय जो है ना साइट्स के तहत एक
साइट आधारित प्रणाली है। इस प्रणाली को हाथियों की सीमा वाले राज्यों को हाथियों के संरक्षण हेतु उचित प्रबंधन एवं प्रवर्तन निर्णय लेने हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करने तथा उनकी जनसंख्या के दीर्घकालीन प्रबंधन हेतु संस्थागत क्षमता का निर्माण करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स माइक, तो हाथियों का संरक्षण के लिए अभी देखिए एक मूवी भी बनाई गई थी, मतलब वो मूवी हाथियों के संरक्षण पर आधारित थी कि कैसे हाथियों की किलिंग होती है उनके दांत के लिए, कैसे उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। ये जंगली विद्युत जम्बाल की मूवी। और गवर्नमेंट भी हाथियों के संरक्षण के लिए बहुत सारे हाथी रेलवे की पटरियों को पार करते हुए ट्रक जो ट्रेन का इंजन होता है उससे मर जाते हैं, तो उसके लिए प्रोजेक्ट बी लॉन्च किया गया जिसमें ऐसे साउंड के वहाँ जगह जगह स्पीकर लगाए जाएंगे जिसमें जो मधुमक्खी होती है ना बी के भिनभिनाने जैसी आवाज़ आती है, तो उससे हाथी क्या होता है दूर भागेगा वहाँ से, पटरियों को क्रॉस नहीं करेगा, तो बहुत सारे हाथियों की जान बचाई जा सकेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसी तरह के प्रश्न सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अच्छे से इनका रिवीजन करते रहिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन रखिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए और घंटे के बटन को दबा कर रखिए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। यूट्यूब ऐप में कभी कभी नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं आता, लेकिन अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो टेलीग्राम पर भी हर वीडियो सीधे सीधे जब भी अपलोड की जाती है सेंड की जाती है तो वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और देख सकोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।